नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी माइंस में ज्वाइन करने वाले हो, तो सबसे पहला फॉर्मेलिटी आपको जो करना होगा वो है फॉर्म बी को भरना। इस रजिस्टर को रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज भी कहते हैं। साथियों, इस वीडियो में रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज से जुड़े जितने भी प्रोविजंस हैं, माइंस एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, माइंस रूल्स में क्या प्रोविजंस हैं, और तीसरे नंबर पे ये फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरना है और इस फॉर्म को हम लोग भरना सीखेंगे। साथियों, चलते हैं माइंस एक्ट 1952 में क्या प्रोविजंस हैं। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 48 के सब सेक्शन 1 में एक ऐसे रजिस्टर की या ऐसे रिकॉर्ड की परिकल्पना की गई है जिसमें एम्प्लॉय के ज्वाइन होने के साथ ही सारा का सारा उसका डिटेल उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉय विद हिज फादर्स और हर हस्बैंड नेम, एज एंड सेक्स ऑफ एम्प्लॉय, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आइदर अबाव ग्राउंड बिलो ग्राउंड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। साथियों, इसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को माइंस रूल 1952 में फॉर्म बी का नाम दिया गया है। ये हुआ माइंस एक्ट 1952 में सेक्शन 48 सब सेक्शन 1, ये प्रोविजन हुआ फॉर्म बी से रिलेटेड। अभी सर, माइंस रूल 1952-55 में फॉर्म बी से रिलेटेड डिफरेंट रूल्स की चर्चा हम लोग करेंगे। रूल 48 सब रूल 3 में है कि कॉपी ऑफ नोटिस शैल बी अफिक्स्ड ऑन द फर्स्ट पेज इन द रजिस्टर मेंटेन्ड इन फॉर्म बी सी डी ई। नोटिस ऑफ नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क का एक फॉर्म बी सी डी ई के फर्स्ट पेज पे अफिक्स किया जाएगा। रूल 51 में टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। साथियों, जब कभी भी कोई एम्प्लॉय माइंस से टर्मिनेट होगा, ट्रांसफ़र होगा या वो अपना रेजिग्नेशन देगा, तो वो उसके कार्य की अंतिम तारीख फॉर्म बी में दर्ज की जाएगी। रूल 77 रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज, द रजिस्टर रिक्वायर्ड बाय सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 48 शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म बी। जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर को रूल 77 में फॉर्म बी का नाम दिया गया। आगे चलते हैं साथियों, रूल 77A सब रूल 2, द टोकन नंबर एंड अदर पार्टिकुलर बाय विच द एम्प्लॉय मे बी आइडेंटिफाइड टुगेदर विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शैल बी इंटर्ड इन फॉर्म बी। साथियों, अभी हम लोग फॉर्म बी से जुड़े जितने भी प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस को डिटेल्स में पढ़े हैं। अभी हम फॉर्म बी को किस तरह से भरा जाता है ये जानेंगे। साथियों, देखिए, फॉर्म बी रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज, इसके नीचे लिखा है सी रूल 48(3), 51, 77, 77A सब रूल 2 ऑफ माइंस रूल। ये सभी रूल्स हम पीछे पढ़ लिए हैं, अब हम फॉर्म को भरना सीखते हैं। इसके सीरियल नंबर 1 में है सीरियल नंबर जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। सेकंड नंबर पे है आपका नाम, आपका सरनेम। थर्ड नंबर पे है फादर्स और हस्बैंड्स नेम। फोर्थ नंबर पे है एज एंड सेक्स। फोर्थ के सेकंड नंबर में है ब्लड ग्रुप। फिफ्थ नंबर पे है नंबर एंड डेट ऑफ सर्टिफिकेट इफ एनी
हेल्ड अंडर द माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966। वो नंबर, वो रेफरेंस नंबर और डेट जो आपको VTC से मिलेगा। सिक्स नंबर के ए में लिखना है डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, बी में लिखना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेदर अबाव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड, एंड इफ अबाव ग्राउंड वेदर इन ओपन कास्ट वर्किंग और अदरवाइज। वेदर द एम्प्लॉयमेंट इज परमानेंट और टेम्परेरी, तीसरे नंबर में लिखना है। सातवें नंबर में आपको लिखना है आपका होम एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। आठवें नंबर में आपको लिखना है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नौवें नंबर में आपको लिखना है डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट विद द प्रेजेंट ओनर। आपको ग्यारहवें नंबर में लिखना है इन केस ऑफ एन एडोलेसेंट रेफरेंस टू द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 40। इसमें मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द बॉडी, बारहवें नंबर में आपको ये लिखना है। तेरहवें नंबर में नेम, एड्रेस, रिलेशनशिप ऑफ पर्सन टू बी इन्फॉर्म इन केस ऑफ एक्सीडेंट और इमरजेंसी। साथियों, माइनिंग दुनिया का सबसे हजार्डियस जॉब है, आपकी ज़िंदगी को हमेशा खतरा बना रहता है। अगर किसी कोई घटना आपके साथ होती है, उस केस में उस माइंस के ओनर, एजेंट, मैनेजर आपके सबसे नज़दीकी वाले को फ़ोन पे इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए यहाँ जो भी नंबर आप देंगे उसको दो बार चेक कर लें, वो नंबर करेक्ट मेंशन होना चाहिए। साथियों, 14 नंबर में हम लोग टोकन नंबर एंड अदर पार्टिकुलर बाय विच द एम्प्लॉय मे बी आइडेंटिफाइड। इसमें जनरली अभी हम मोबाइल नंबर ही यूज लिखते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर 16 नंबर में है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, थंब इम्प्रेशन। रिमार्क्स इफ एनी, सिग्नेचर ऑफ रिकॉर्ड कीपर, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर। साथियों, इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे, नंबर 10 जो हम चर्चा नहीं किए, डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ और लीविंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एज पर रूल 51 आपको यहाँ वो डेट मेंशन करना है जो अगर आप इनकेस उस माइंस से एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हैं तो। इस तरह से साथियों, हमने फॉर्म बी के सभी एस्पेक्ट पे चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।